हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मराकेश प्रजापत आज आपके लिए एक न्यू नर्सिंग रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जिसमें पोस्ट है एएनएम की। इसको एनएचएम झारखंड ने निकाला है। ऑफलाइन आवेदन पत्र आपसे मांगे गए हैं और लिखित परीक्षा से आपका चयन होना है। इस वैकेंसी के बारे में और अधिक डिटेल जानने के लिए एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहे। पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ आवेदन पत्र भेजना है और आपको कितनी फीस देनी है, और इस आवेदन पत्र को कौन कौन लोग भर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ के लोग भर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के लिए एंड तक इस वीडियो में साथ जरूर बने रहिए। वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन आ रहा है उसको दबाना ना भूलिए। फ्रेंड, जिला स्वास्थ्य समिति पश्चिम सिंहभूम चाईबासा का विज्ञापन आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आवेदन हेतु अंतिम तिथि नजदीक है, 20 जून 2019 ही है, तो जल्द सभी को अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन आवेदन आपका यहाँ पे होने वाला है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। एनएचएम के अंतर्गत ये वैकेंसी है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाली वैकेंसी है। पद का नाम देख लेते हैं। पद का नाम यहाँ पे एएनएम है। टोटल पदों की संख्या 156 है, जिसमें अनरिजर्व की 70 है और जो एससी की पोस्ट है वो 17 है और जो एसटी की पोस्ट है वो 69 है। इस तरह से यहाँ पे रिजर्वेशन के आधार पर पोस्ट का डिवाइडेशन है। अब देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एएनएम के कैंडिडेट्स के लिए 10+2 यानी जिन्होंने 12वीं पास की है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और सबसे बड़ी शर्त है कि रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल, यानी आपका रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई करते वक्त झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना बहुत ही जरूरी है। पैसे आपको दिए जाएंगे 10,395 रुपये पर मंथ। आयु की गणना देख लेते हैं। आयु की गणना एएनएम की जो कम से कम आयु है वो 21 साल, उसके बाद में जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनकी 35, ओबीसी के लिए जो 37, फीमेल अनरिजर्व की जो कैंडिडेट्स है उनकी 38 और एस सी एस टी कैंडिडेट है उनको 40 ईयर्स से कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए किसी भी फीस का यहाँ पे प्रावधान नहीं किया है। आवेदन पत्र को आपको डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। चयन की प्रक्रिया रहने वाली है कि आपका लिखित परीक्षा या फिर साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा, और अगर तकनीकी परीक्षा यानी स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ी तो भी किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया को मैंने पहले ही बता दिया है कि ऑफलाइन आवेदन है, उसको फिलअप करना है और उसके साथ आपके सभी मार्कशीट, सभी प्रमाण पत्र की जो फोटोकॉपी, अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो 19 तक की भेज देना है। डाक से, स्पीड पोस्ट से या फिर आप ईमेल एड्रेस भी भेज सकते हैं। यहाँ पे घेरे में आप ईमेल एड्रेस देख रहे हैं, इस ईमेल एड्रेस पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आप डाक से, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं तो आपको एस सैनिक शल्य चिकित्सक से आवेदन भेजने के लिए जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर लाल पेन से विज्ञापन संख्या और आवेदन पद का नाम यानी एनम और विज्ञापन संख्या जो ऊपर दी गई है वो जरूर लिखना है। आवेदन पत्र डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको उस पर क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है। और कहीं आप डाउनलोड करना है, ये आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसको डाउनलोड करें, फुली तरीके से भरी, सभी डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपीज है उसको अटैच करें और ऊपर जो एड्रेस बताया है उस पर सेंड कर दिया। फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी इस वैकेंसी के बारे में है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दबा दें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।